टाइम्स टीवी द्वारा प्रसारित टाइम्स टॉक कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत। हम वीरेंद्र रमन आए हमारे सबके बीच में अतिथि छथि परमेश्वर शाह, राष्ट्रीय जनता पार्टी प्रदेश नंबर 2 के सचेतक। हिनका संगे हम सब प्रदेश के जे गतिशील होबक चाही संसद सरकार ई नै देखाई द रहल छै। किया दोसर दिस कतौ कतौ राज्यपाल नेपाल में विवाद के स्वर सब सेहो सुनाई दै छै। ई सब किया देखाई द रहल छै कि मधेश केंद्रित दल सब फूटा मात्र जानै छै, झूठा कहियो नै जानै छै। या विषय वस्तु के आई हम सब केंद्र में राखि के संवाद करब। सबसे पहले स्वागत करी परमेश्वर जी के। परमेश्वर जी स्वागत है। धन्यवाद। अपने से कतौ से संवाद शुरू करी? राजेंद्र महतो अपने के पार्टी के हमारा पार्टी के अध्यक्ष छथि। अध्यक्ष मंडल के बहुमत से जे निर्णय भेलै ओहि हिसाब से ओ संयोजक छथि। अपने पर आरोप लगै छै जे कहि रहल छी जे अपने स्वीकार भेल हम सब संयोजक। हम हमरा बारे में जे आरोप लगै छै आइ तक हमर कतौ स्टेटमेंट देखलिए जे हम संयोजक नै स्वीकार होय। हम ये कहै छै जे पार्टी के विधान छै ओहि विधान के भीतर में सबके रहबाक चाही। विधान में जे भाषा के प्रयोग भेल छै ओहि अनुसार के कार्यान्वयन होबक चाही। विधान में लिखल छै कि अध्यक्ष मंडल के निर्णय सर्वसम्मति से होतै। जे निर्णय भ के ओ संयोजक बनलखिन ओ बहुमत से छै। हमर विरोध ओहि ठाम है कि बहुमत के निर्णय कैला, सर्वसम्मत निर्णय कैला नहीं। प्रक्रिया के हमर विरोध है, व्यक्ति के हमर विरोध नहीं। एना छै ना लोग की कह रहल छै आके अखन आबि कऽ जे महंत ठाकुर नेपाली कांग्रेस में रहला के बाद हरेक पद पर थे, मंत्री जे होवक चाहिए सांसद सब चीज, लेकिन वो अंतिम में आबि कऽ एकटा त्याग देखलखिन। कहलखिन हम सब मधेश के पक्ष में आगू टागत करब अपन मातृभूमि के लिए। गिरिजा प्रसाद कोइराला सब पार्टी छोड़ के क्रम में जे भेटलखिन कहलखिन एते दिन हम सब अहाँ के लिए लड़ली, आब हमरा मातृभूमि के लिए अपन लड़ दिए। त्यागी नेता कह रहल छी। देखिए अंतिम अंतिम में अबैत अबैत हुनका पास में बेसी स्वार्थ देखल गेलै कि संसद दल के नेता हुनके चाही, परिवारवाद हुनके सब चीज चाही। ऐसे पार्टी में निराश देखाई दे रहल छै कि कार्यकर्ता सब कह रहल छै जे त्यागी होइत होइत अंतिम में जाकर स्वार्थ लिप्तता में लिप्त भ गेलै मान ठाकुर। अइ प्रकार के आरोप जे कोई लगबै छथिन हम किनको व्यक्तिगत हिसाब से नहीं कह जाय छै, लेकिन यदि वही हिसाब से देखबै तो हमरा सबके पार्टी के सब अध्यक्ष के साथ ई समस्या छै। महंत ठाकुर के बारे में जे कोई बात कहै छथिन, महंत ठाकुर यदि किनको ई बुझाइत होय कि ओ परिवारवाद में लागल तो हुनका परिवार में तो कोई छैहे नहीं। एकटा लड़का के बेटी छै, ओ अपना बेटी के या मतलब की कहै छै कोनो दोसर समान के अखन देखबै तो कुछ नहीं बनेलखिन। लेकिन वही दोसर हमर नेता सबके देखबै तो ओहिसँ ऊपर उठबो नहीं कलखिन। ओतबे में महंत ठाकुर अखन तक ला मंत्री के ऑफर हुनका लग बहुते बेर एलै कि अहू दल में आने के बाद राष्ट्रपति के ऑफर जी, लेकिन ओ त्याग कलखिन। लेकिन अहि पार्टी में के जे नेता सब छथिन जे विभिन्न पार्टी के रूप में रहथिन, पार्टी फोरलखिन जे मंत्रीय पद के लेल ओहि दल के मतलब जे से लीडर बन के मंत्री पद बनी। महंत ठाकुर पर ई आरोप नै छै जहिया सो कांग्रेस फोरलखिन कोनो पद के ओ जे से तिलांजलि देलखिन। जहाँ तक पार्टी भीतर के बात छै संसदीय दल के नेता ओ कहलखिन चुनाव होतै तऽ हम नै आयब, सब सम्मति होतै अहाँ से विचार हो तो हम आए, चुनाव भ के हम अहाँ के संसद दल के नेता नहीं है। सभे कोई मानलखिन हुनका अगेंस्ट में तो कोनो प्रतिस्पर्धा तो नहीं भेले, कोनो उम्मीदवारी तो नहीं पड़ले। तो जब सब सम्मति से हुनका मानलखिन आ तकर बाद आरोप कोई लगेते कि सब पद हुनके चाहिए तो ई निराधार छै, ई हुनका प्रति के बेईमानी। मधेशवादी दल या मधेश केंद्रित दल सब या अहीं के पार्टी के बात करी ना, ई नेता सब इतने स्वार्थ में क्या लिप्त भ जाय छै? अपने परिवार चाहिए, अपने कनिया के बनावे चाहिए, पैसा ल लगी कह रहल छी मधेश केंद्रित दल के आदमी सब जे पैसा ल लगे सांसद बनायल गेलै। तो अहाँ सब जे कार्यक्रम दिन में मधेश आंदोलन फिर कह रहल छी आंदोलन करबै तो लाज नहीं लागत जनता के बीच में जाकर? एकदम लाज लागत। अखन तो अहीं के जब बोल के मौका भेटल हमर नेता सब के कारण है ना। आई मैले समानुपातिक में की खेल भेले सबके के सामने में बात है। काल कुमार मंत्रिमंडल बनते, परसों दोसर चीज बनते, मान लिया नियुक्ति होते, यदि हम सब ओहिसे ऊपर नहीं उठबै तो अहाँ जे सबके प्रयोग के लिए जनता अहि सबके लग हमरा सबके कहै छै ने, लेकिन हम एगो कार्यकर्ता के नाते ओ सबके तो प्रयोग नहीं करबै। लेकिन ई दुर्भाग्य छै, अहि प्रकार के सोच नहीं होक चाहिए, इस ऊपर उठक चाहिए। यह बात तो कहलखिन अहाँ के महेंद्र यादव। महेंद्र यादव के यह कहब छै जे हुनकर घुमा फिरा के जे पार्टी के नेता सबके अहि से उठ पड़लै, बहन ठाकुर से लगकर सारा के सारा पार्टी के नेता सब यह में लिप्त भ गेलै। एकदम हम ई बात के एकदम गलत बुझै छियै। कोनो हमर अध्यक्ष हम ई कहब
कि ई बात यदि महंत ठाकुर के बारे में उठाबै छै तो पहले हम ठीक छी कि नहीं छी ई विश्लेषण होय पड़ले कोनो अध्यक्ष के बारे में उठाबै छै तो पहले ओ संबंधित ओहि अध्यक्ष पार्टी के अवस्था ठीक ठाक नहीं छै एकदम एहि माने में कि हमर कोनो अध्यक्ष जी यदि कोनो अध्यक्ष पर आक्षेप लगबै छै कोनो किस्म के बुराई के बात करै छै तो ओहि से पहले हुनका अपना बारे में तीन बेर सोचक चाहि वैसे के रचय कर अर्थ पार्टी के अवस्था ठीक ठाक नहीं छै पार्टी के अवस्था ठीक ठाक एहि माने में नहीं छै जे गतिविधि सब अखन भेलैय जे प्रकार के जनता में निराशा भेलैय कार्यकर्ता जे सदस्यता अभियान सब अगाड़ी बढ़े छै सब रुकि गेलै सब जे से मतलब अहाँ के एकटा डायलमा के अवस्था में छै की हेतै पार्टी रहतै राजेंद्र महतो के या अध्यक्ष चयन प्रक्रिया में अवरुद्धता की त ओहि के कोन समस्या अहाँ के एहि दुआरे ई अवस्था मतलब छै जे आब मान लिये सदस्यता अभियान छलै ओहो रुकि गेलै पार्टी के अन्य जो फंक्शन सब होय वाला छले वो रुक गेले पार्टी के मीटिंग नहीं भर रहल छे मान ले कोनो प्रकार के निर्देशन नहीं केंद्र से आ रहल छे तो ऐ सब मिला के देखल जाय छे कि जे उद्देश्य के लिए पार्टी एकता भेले भ सके वो उद्देश्य विमुख भी तो भर रहल छे जनता के ई प्रश्न छे कि अहां सब के एकता ई अहां के कृत्रिम एकता छल कि वास्तविक एकता छल तो हम आग्रह की करे चाहबे हमर जे अध्यक्ष मंडल छै के लागि विधान त हुनके सबके संपूर्ण अधिकार देल गेल छै हुनका सब में एकता होय ओ सब एक ठोस डिसीजन और सर्वसम्मत डिसीजन करे जे कोनो प्रकार के अन्योलता नहीं बढ़े कार्यकर्ता में कोनो प्रकार के मतलब भ्रम नहीं होय कार्यकर्ता कोनो पक्ष विपक्ष से बेसी राजबा प्रति ईमानदार होय तै हिसाब से हुनका सबके गाड़ी बढ़वाक चाहिए लेकिन हुनके समय जब खटपट होते हुनके समय बेमनस्यता होते हुनके समय मनमुटाव होते तो स्वाभाविक छै जे कोई कार्यकर्ता जे नेता के नजदीकी छे जे नेता के हिसाब से आयल छे या भी पूर्व पार्टी के हिसाब से आयल छे त स्वाभाविक रूप में वो ये जैसे गुलबंद होय के अवस्था आ सके लेकिन एना सिन सर जे एकटा गुलबंद हो रहे अलग विषय वस्तु छे कोनो आदमी कोनो संगे हमरा परमेश्वर जी संगे आस्था है हम परमेश्वर जी के वकालत करबे आइ भूल के बक करबे एकटा अंधभक्त होय छे एकटा होय छे जे ठीक पक्ष के बेठी पक्ष के छुटिया के बात करे के बात होय छे लेकिन सार्वजनिक रूप से राजपा के नेता कार्यकर्ता सब सार्वजनिक रूप पर फेसबुक पर गरा गरोवर पर उतर रहा है तो वह बात कह लिया माइले कौन पक्ष कहबे ठीक है कौन पक्ष कहबे ठीक जब सब कह दिए तो सब दोषी भेले ना सब कह दिए तो सब दोषी भेले तै द्वारे एकर चेक एंड बैलेंस के लिए जब तक वो नेता सब एकता नहीं होते तो निचका में आहा मुहाने गंदा कर देबे या धारा में जेबे सफा पानी खोज के लिए कतो भेटत महान सफाई पड़े जे सब पानी अब वही सफाई देख पड़ते अहा धारा खोल जेबे तखन कभी पानी सफा भेटक चाहिए तो नहीं भेटत ते दुआरे सब कोई यदि लिखे छे सब कोई यदि एहने बात करे छे तो सब कोई दोषी छे कहो त पार्टी प्रति किनको जैसे वफादारीता नहीं छे पार्टी के कोई नहीं चाहे छे मौजूद बने सब कोई अपन रोटी से कर काम कर छे गजेंद्र नारायण सिंह जखन मधेश केंद्रित या मधेश के आवाज उठलखिन तो कहलखिन आइ ने काल हमर आवाज एजेंडा आई हम कमजोर छी एकटा जीत के जाय छी दूटा जीत के जाय छी कहियो छटा जीत के जाय छी लेकिन आई ने काल जाकर हमर जे विचार है एजेंडा है वो राष्ट्र के एकटा राष्ट्रीय एजेंडा बनते काल तक क्षेत्रीय विखंडन के उनका पर आरोप लगे सांसद होय तो पिटाई के अवस्था खेल की वो सिंह दरबार के आगे में ई परिस्थिति रहे लेकिन आई अबे तो अबे बुझाय छी ने ठीक है गजेंद्र नारायण सिंह के जे विचार है वो सब दिस होय छी लेकिन कखनो काल के देखाय की दर रहल छै आके जे ई त मतलब ब्रह्मा के मुड़ी एक नहीं भेल छी तेरा भेल छी कि राजपा के नेता सब के मुड़ी एक नहीं भेल छी उपेंद्र यादव जी कहने कर रहे थी जे देश हुनकर जे कहबे ना जे देश आ के बना देल के मुड़ी त जोड़ देल के लेकिन शरीर नहीं मिलल छे आत्मा नहीं मिलल छे एकरा सब एकदम देखो में तेने अबे छे अहां सब के विश्लेषण हुआ छे छ गो पार्टी एक तो भेले लेकिन आत्म मिलन जे होबक चाही जेकरा कहे छे हम अहां मतलब घुल जानाय एक दूसर के भीतर में समा जाना है एक दूसर के मतलब आत्मा में घुस जाना है वो वास्तव में नहीं देखा पे रहा है एकर अर्थ मधेश बात या मधेश जी एजेंडा से आप सब उठा रहे थे वो दिवा भ्रम से दी नहीं नहीं भ्रमित कर रहे थे लोग के मुद्दा भ्रम नहीं थे मुद्दा के कर्जने कर वाला जो शक्ति थे ओकर क्षणिक स्वार्थ के चलते ई चीज के देखा पे रहल छे मुद्दा त निश्चित रूप में मधेशी जनता जे अहाँ के अधिकार से वंचित छे या मधेशी जनता लगाए जाते दलित जनजाति आदिवासी मुस्लिम लगाए के जे बात सही छे वही के जे लीड कर वाला सब छे ने हुनका सब के जे प्रकार के एकटा त्याग होबक चाहिए जे प्रकार के एकटा सोच होबक चाहिए वही में कतौ कतौ कमी देखल जा रहल छे कार्यकर्ता के जे मूल्यांकन छै ओ मूल्यांकन नै भ रहल छै अहाँ तऽ देखने छी एक आंदोलन आइ सँ नै गजेंद्र नारायण सिंह जी के अवस्था के बात छोड़ि देल जाउ अइ के
अहाँ के 63 के बाद के आंदोलन के अहाँ बहुत नजदीक से देखल यहाँ आई देखियो 63 के आंदोलन हो 64 के आंदोलन हो 72 के आंदोलन हो जे कार्यकर्ता नेता के आवाज पर अपन बलिदानी देवे के लिए तैयार भ गेले जेल जाय के लिए तैयार भ गेले पुलिस के लाठी बूट खाय के लिए तैयार भ गेले लेकिन जखन टिकट वितरण होइ छे जखन अहाँ के मतलब प्रदेश सभा के टिकट भेटे छे या समानुपाती के बात होइ छे तो वो साथी सब बैक पड़े छे आ जे कहियो आंदोलन के अच्छा में जन्ने जेकर चेहरा अहाँ नहीं देखने होबे आई ओहन ओहन व्यक्ति के कोनो आधार से चाहे पैसा के बल पर होय चाहे कोनो नाता के बल पर होय या चाहे कोनो अन्य सोर्स फोर्स होय तो एक आधार पर होबे छे तो निश्चित रूप में वो कार्यकर्ता विमुख होते तो पार्टी कमजोर होते पार्टी कमजोर होते तो मुद्दा कमजोर होते मुद्दा के पक्ष में लागे वाला लोग कमजोर होते तो जे विभेदीकरण में पड़ल छे ओकरा न्याय नहीं करते इंसान नहीं करते एक के लता राजपा के जे नेता सब छै ओकरो सोचत पड़ले हमहु त साख कहलियै कि हमर जे छोटा पार्टी मिलकर एगो दल बनलै ओ नेता में सबसे पहले त्याग होय पड़ले चाहे मोहन ठाकुर जी होय राजेंद्र महतो जी होय लगा सके सब है केना कह रहल छी कि एकरा डायरेक्ट मतलब बात करी मोहन ठाकुर जी के अपन समधि चाहि राजेंद्र महतो जी के कह रहल छी नरमाया ढकाल के प्रसंग सब आयल छी कि नरमाया ढकाल पार्टी में नहीं रही तो पैसा लकर देल गेले तकर बाद अनिल जी के अपने कनिया सब चाहि अइमे बात बाकी रे अब एक दू गो नेता बन जाय छै जे अपन परिवार बात से बचल छै जे परिवार बात में लिप्त रहै छै उ त अहाँ के विश्लेषण अहाँ के बाहर से देखै छी ना हम तो भीतर से देखै छी ने कोई ऐसा अछूत नहीं छै जहां तक मोहन ठाकुर समधि के बात कहलिय उस समधि के प्रदेश प्रमुख जे बनेने छै हम अखन तो कहब जे नेपाल सरकार एकटा मतलब क्राइटेरिया तोकने रहै वही क्राइटेरिया में राजपा भीतर के कोनो उम्मीदवार वो यदि अपन सर्टिफिकेट या अपन क्वालिफिकेशन पेश कयने होय आ तब कोनो प्रकार से ओकरा बैक कयने होय तब मोहन ठाकुर दोषी भ सकैए अहा जखन प्रपोजल मांग होय छै अथवा जखन अपन क्राइटेरिया पेश करे के बाद होय छै तखन कोई नहीं पेश करबे आ जब वो भ जाय छथिन तो मैले मोहन ठाकुर समझे भ गेले इहो गलत बात छै नंबर 2 उमाकांत झा जी ठीक छै भले ही अहाँ के 4 वर्ष 5 वर्ष से पार्टी में लागे छै लेकिन तमलोबा के महामंत्री रहे ओकर बाद में प्रत्येक आंदोलन में अहाँ सब सीन लेने छी फोटो लेने छी जे सक्रिय रहे हमरा नहीं बुझाते तो बड़का बात है यदि उनका समधि कह कह दे कि हमसे कोई आरोप लगे छे तो बेईमानी होते नरमाया ढकाल जोरो का तुलना करना है बेईमानी छे नरमाया ढकाल के गलत छे एकदम गलत छे क्या पार्टी लड़के अब से तो उज्जैन ले लेकिन उनका कुछ भी पूछ के रहल छी जे खास आरे के आरक्षण रहे खास आरे में तो हमरा सब छथिन ने ई की कहे छै अपने के निर्जलाती निर्जलाराव सर्वेंद्रनाथ शुक्ल के अपने परिवार से सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला के प्रदेश में नहीं छे वो नहीं छे उनका परिवार अंत में हटा लिए अब हटा लेके तखन तो समाप्त होवे समस्या ना खास आर्य के समूह में निर्जला राव जी पहुंच चुके जे पार्टी से पहले से जुड़ल लोग छे और आज सब जना ई बात से ई समस्या सब जे छे ना लोग ई कह रहल छे कि एकरा दुटा किसी से बात करू एकटा ई कह दिया जे आहा सब ई बात पार्टी में क्या उठबे छी जे आहा सब के कारण से हमरा आम जनता में विषय में लजाक लजनाय में कठिनाई भ रहल हम सब केना आगे डिफेंस करू नेता सब के क्या निकल छी एकदम ओतबे नै हम सब कहै छै आहा जनकपुर के बैठक में जे भी नेता सब आबै छै कार्यकर्ता अपन जे क्षमता छै ओइ सब बेसी कहै छै आब अहाँ सुधारे नै करबै परिवर्तने नै करबै अहाँ खाली ई कहबै कि महत ठाकुर के नाम लगा कर उस समधि के खेल के आई पर बाजा चाहे थे एकदम गलत है ओकर समधि और दोसर में आकाश जमीन के फरक है तो एक बार कहे ने यदि सत्य बजे से ने तो भने हम कहे जे जे ओरिजिन से है जे पूर्व पार्टी से है तो ओकरा बुझाय छे यदि कोई महत ठाकुर विरोध कर छे त हमरा तकलीफ हो कोई राजेंद्र महतो के विरोध कर दे त सब हमरा की कहे तकलीफ होते लेकिन रियलिटी की छे ई में बदमाशी के कहने छे बेसी गलती के कहने छे अच्छा देखो आप प्रदेश सभा में देखो ना समानुपाती में केन के आयल है जे राजनीति के रथ संचालन नहीं कहने कहियो तेनो व्यक्ति ने समानुपाती में पड़ोगे आंदोलन काई के दबाई दबाई ई पार्टी एक बात कर रहे तो तखन आहा के अगर हम कनी का मात्र एक अन्यथा में सोच के बात करब आ नेपालिका देश आयल छी आगे राजनीति पृष्ठभूमि एकदम तब ता पछतावा होइत जब बेकार ई पार्टी में चले पछतावा ए माने में आदमी होइया जे ओ छोड़ला हमरा लगभग मन ठाकुर जी छोड़ के 11-12 वर्ष ओहो भ गेले मधेश मुद्दा से हमरा एक रिकॉग्निशन ही भेटल है पद में अनाय नहीं अनाय का बात है लेकिन हम सब संगे बात हुई चला त
हम जे मतलब मधेश मुद्दा में लड़े चले आ वो पीठ देखा के नहीं सीना अगाड़ी बढ़ा कर सब दिन आंदोलन कैल ते दुरे हमारा पछतावा नहीं है। आब हम राजनीति के अंतिम गोल बुझ गए कि हमारा मधेसी जना महन ठाकुर कल के हम गिरजा बाबू के लिए लेते दिन कैली कांग्रेस के लिए लेते दिन कैली तहिना हम सब जैसे कांग्रेस के लिए लेते दिन कैली आब अपना समाज के लिए अपना जैसे भूमि के लिए कह रहा है हमारा किनको पछतावा नहीं है। जहां तक पार्टी भीतर के अवस्था देखे छे तो वही जरूर है हमरा सब ई होइए कि हम जे जनता के राजपा अहाँ के पक्ष में है राजपा वैकल्पिक पार्टी छे देश के जनता के जैसे मतलब अहाँ के फ्रीडम दिया सके स्वतंत्रता दिया सके अधिकार दिया सके वही शंका होइए वो संभव नहीं छे। हमर कोशिश है हम आग्रह करने हमर में तो सब सर यही चीज के कोशिश करू अब गलतिए से सही हो छे कभी कमजोरिए से ठीक रास्ता पर जाए छे सब कोई पेटे से सीखे नहीं आवे छे। अब एकटा निक पक्ष तो ई छे ना जे कम से कम छ गो टुकड़ा में बांटल चले फुटल फुटल पार्टी सब जकर अस्तित्व सब मालूम है अहाँ के कल के दिन में की अवस्था चले से कखनो जीत के अवस्था नहीं चले आ एगो भगत तो जीत लै कम से कम जनता में एगो मैसेज गेल हम यूनिटी कायम के लिए हम सब एक भेल अइ चीज के प्रदर्शन आवे वाला दिन में भी अहिना संगठित भक यूनिटी के रूप में अगाड़ी बढ़े तो जनता के विश्वास भी बढ़ते और ई जे भरोसा छे जनता के कि राजपा ही हमरा सब के मुक्ति करा सके राजपा ही अधिकार दिया सके ओइ चीज में बल भेटते। परमेश्वर शाह अइ द्वारे खुशी आयल छी कि परमेश्वर शाह के पद राजेंद्र मत खुश का देल हमर कोन पद खुश का देल जे जे अपने अखन महासचिव की सचिव बनल सब महासचिव सब महासचिव हमरा लेल हम अहाँ के एकदम एहि में क्लियर हो जाए छी वीरेंद्र जी कहीं कोई एक पैसा में थे हमने कह जाए छे अहां हमारा पार्टी के लिस्ट देखो जे पार्टी एकीकरण से पहले हो गेल छे अही जिला में कई गो महासचिव छे अहां ओकरो देखो परमेश्वरो साह के देखो यूनिटी के बाधो में जे नियुक्ति से भेलै है बहुत केंद्रीय सदस्य सब ढके सुपे आ हमहु एगो केंद्रीय सदस्य तुलना कैल जा इस सह महासचिव हम यही बात जरूर रखने रही है यदि यही प्रकार अहाँ नियुक्ति कर छे तो सब दिन हम दूसरे के नेता मानक लेल तैयार नहीं छी अपने नेता बन जाए हम क्या भी नेता बन सक जाए हमरा ई कह पड़ते ना अहाँ के इक्वालिटी नहीं है जते अहाँ के महासचिव है चाहे अन्य अन्य पद सब में है ओकरा से हमर क्वालिटी कम हमर पार्टी में योगदान कम हमर आंदोलन में योगदान कम या कोनो प्रकार यदि हम कमजोर छी तब हमरा अहाँ नहीं देब लेकिन अहाँ काल्हि पार्टी में प्रवेश होलिए आइए ओकरा महासचिव सचिव केंद्रीय सदस्य बना बना देबे आ कभी नेता मानू तखन पार्टी के अहाँ कदम लगा रहल छी हमर विरोध वही ठाम है हमारा सह महासचिव हमारे भीतरी इच्छा नहीं रहे लेकिन वही अवस्था में हम कहलिए जखन एहि प्रकार से नियुक्ति हो लगल तो हमारा चाही कह के हम कहलिए हटाइयो देलखिन तो हम सबसे पहले स्वागत के लिए कम से कम वही व्यक्ति सबके हमारा सह महासचिव आ महासचिव कह के मंच पर नहीं बैठाब पड़ल एक तो पार्टी एकीकरण से पहले बहुत महासचिव थे पार्टी में फिर थपत गए केंद्रीय सदस्य के रूप में जरा वार्डो सदस्य नहीं है पार्टी एकीकरण भेला के बाद में आलिए ओहो केंद्रीय सदस्य कि डिफरेंस भेल यहाँ पाइल ओकरा में हमर विरोध वही बात के व्यक्तिगत हमरा समाज से महतो जी कथे कहलक मान लो तो निर्णय छे महंत ठाकुर सिग्नेचर छे हमरा महतो जी अखनी नया सिग्नेचर करके थोड़े आ गेलक कोनो संपत्ति के उनका आरोप है हमर ओ निर्णय के हम स्वीकार लिए हमरा ई निके बुझाय कम से कम जे दू दर्जन एक दर्जन हटले त हम जिला अध्यक्ष वही में हमरा गर्व है केंद्रीय सदस्य वही में हमरा गर्व है प्रवृत्ति जे छे ना ई प्रवृत्ति पार्टी के हित में छे या अहित में छे एहन प्रवृत्ति रहते पार्टी का हित में होते जे काइलो आले तकरो केंद्रीय सदस्य महासचिव सचिव बना दियो जे 10 वर्ष 12 वर्ष जे पार्टी के एकीकरण भेल ओ में आ छे ओकरा भेल ओकरा तुलना कर दियो निश्चित रूप से काइल में जे पार्टी में लागल लोग छे आंदोलन में लागल लोग छे जे आंदोलन नहीं केलके आ माने चुनाव के टाइम में सदस्य ललके हमरा पार्टी के वोट में घूम देलके ओकरा से केंद्रीय सदस्य प्रमोशन कर देबियो बड़ भारी बात बोली तो बहुत लोग भोट देंगे तो सबके केंद्रीय सदस्य बना दियो सबके महासचिव बना दियो यहां यदि प्रवृत्ति रह दे तो पार्टी की कमजोरी करते कमजोर करते। आप कहता था संजय चौधरी अपने के बीच के विवाद की है हमरा सत्य बात हम कह रहे छे हम पत्रकारो समय में हमरा अध्यक्ष बनल के हम वही बात कहने रहे हमरा डायरेक्टली बात संजय चौधरी जी भेबे नहीं कर हम सदा सिमिस तो हमरा में इंटरव्यू में आके कहने छे जे धक्का मुक्की भेल है वह तो कह लिया अब अही से कहले ने जे पार्टी बन ले तकर बाद आले ओकरा केंद्रीय सदस्य बना दे ओकर मन तो बढ़बे करते स्वाभाविक छै ने आ सब के मालूम चाहे कि पार्टी एक भेला के बाद में सदस्य लेने पार्टी के आ सीधे केंद्रीय सदस्य बना देलिए तो मनोबल तो बढ़िया बढ़ते लग रहा है ना पार्टी में तो हल्ला हल्ला कर भी कुछ भ जाए हम कहै छी हमरा ओकरा जे बाते नहीं भेल है हमरा बात भेल है सदाशिव मिश्र जोड़े
एहि सम्बन्ध में सिद्धांत के बारे में के बारे में उनके बारे में हम कदी मोहन ठाकुर जी जे से मतलब पार्टी के जे रूप में कार्य बहावक चाहे उनका में छल कपट में छे ते द्वारा अवस्था आयल मतलब अपना आसपास में छलफल होइत रहे वही बीच में वो मोहन ठाकुर के बारे में कहले जना अखन हां सब कहले संधि के बाद हमर सब के प्रश्न अजी जी वही इंटरनल बात सब भेले हमो कहले जो आगे पत्रकार सम्मेलन में कर रहे और बात में हम कर रहे हम आगे कहले कि नरमा ढका ले केना भेले भाई यह बात भेले कहले जोर जोर से भेले मतलब बाजे के क्रम में जोर जोर से सर जी जोर से बजबे करे हां आप सर जोर से बजे को खैर आज हम अब हंस के हमर वॉल्यूम जोर होय ऐ सिवाय किनको तुतु में कोनो प्रकार के अवसर कोनो नेता के बारे में अवसर कत्तू के बारे में अवसर कुछ नहीं भेले हम पूछे छी 8 बजे दिन के बात है सवेर में भर दिन वीरेंद्र रमन के लान जानकारी भेले अन्य पत्रकार के लान जानकारी भेले अन्य साथी भाई के लान जानकारी भेले एक बार 7 बजे साथ में जानकारी होय छे फाटो जिट में की भेले करत ई साजिश छे कि आप एकरा के होना का परमेश्वर के बदनाम करे चरित्र हत्या करी हम पूछे छे आंदोलनकारी हम जे दिन हम पुलिस के लाठी से नहीं डरे लिए गोली से नहीं डरे लिए लड़ाई से पछाड़ी नहीं पड़ल ये सामान्य बात समझे रहे वाला लोग छे वो चीज के प्रमाणित ये के अध्यक्ष मंडल आज में कह देवा जे ये सरासर गलत बात छे एहन बात नहीं होबाक चाहिए वो तो मैंने हम मौको दे लिए कि एक दिन में खंडन वगैरह कर दियो वो नहीं कल के पार्टी अध्यक्ष मंडल बैठ कर आगे निष्कासन के सिफारिश करे छे कल की होते यदि पार्टी में अनुशासन नहीं रहे तो कोई सुरक्षित नहीं छे हम सब हम पूछे छे केकरो कतई कोई कुछ मैं बोल सकिया नहीं बोल दिया मीडिया में हमरो हित होते कोई ना हम ही कभी निकाल दे तो ई गलत परंपरा छे हम मीडिया कर्मी साथी सब आग्रह करो चाहबे कि केकरो बारे में अनावश्यक रूप में वही ना यदि कहे कोई आहा सब केले पत्रकार के कलम में बहुत दम होय छे यदि आहा के कलम से सही बात नहीं निकलते तो व्यक्ति एगो तो पीड़ित होबे करते ओय के साथ साथ ओकर जे जे क्षेत्र में काज करे छे ओय क्षेत्र के लोक मार मारे छे अराजकता छे एकर अर्थ देखाई रहल छे जे पार्टी अराजक दिस में जा रहल छे पार्टी को घटना ई अराजकता दिस में जा रहल छे दुर्घटना करा देते पार्टी एकदम पार्टी हम पूछे छे हम आता तक हम रियलाइज करे चाहे छी बात के यदि बाइक में हुनका लगलो होत कि परमेश्वर गलती केल के तो पार्टी फोरम में राखे पड़ले बात ने पार्टी में बात राखे पड़ले कि हम आहा के अखनी हुनका बारे में आप सना पे मीडिया में रखबे कते उचित होते हम तो कदापि नहीं रह सके थी उ रखे हमरा से फर्क नहीं पड़े हम पार्टी के डिसिप्लिन कार्यकर्ता छी पार्टी फोरम में हम सब बात रखबे पार्टी के साथ सब जे बीच में बैठे छै ओहिमे मनोरंजन के रूप में हंसी मजाक के रूप में बहुत बात होय छै यदि वही चीज के कोई मीडिया में ले जाय छै तो पार्टी अनुशासन विपरीत छै पार्टी के जे सिद्धांत छै ओकर विपरीत छै पार्टी एहि पर सचेत होबाक चाही आ ओहन के कार्रवाई होबाक चाही ई हमर मांग अछि आ करते पार्टी आगे करते तो काल के दिन के बात छै मतलब ई एकरा एकरा एना बुझायल जाय जी पार्टी के ई की तक ई देखाई दे रहल छै जे मधेश केंद्रित दल सब खाली फुट जाने छै कि फुट के ई अभ्यास सब देखाई छै लक्षण सब कहै छै ने शुभ लक्षण कहल जाय आब अहाँ कहू एहि 6 गो पार्टी में कोन पार्टी सब फुटल रहे आ कोन पार्टी नहीं फुटल रहे ई विश्लेषण अहाँ करब एहि सब बेसी हमर कह के नहीं अछि हम सब नहीं फुटल जानलियै अखन देखबा अहाँ के छोड़ि कऽ से ना फुटले हम तो नहीं फुटलिए हो तो जे फुटा के जिनका मारत होते वो एक ढंग के बात करत हम सब तो नहीं फुटलिए आ नहीं फुटा चाहे छी हमरा सब के धारणा ही लेकिन एक तो बात और कहल जाए जना अपने के महाधिवेशन बनल है महाधिवेशन के तैयारी अपने सब करल छी पार्टी के आई अपने सब के निर्णय ल जब जिला में विस्तारित बैठक करा पड़ते सब जिला जिला में जाकर विस्तारित बैठक करा पड़ते मतलब पार्टी के गतिशीलता बनाबे के बात बनल छी लेकिन गतिशील होते होते कतौ केना बुझा रहल छै जे राजपा के मिल गेले राजपा अर्थात राजपा नेपाल एकटा पार्टी छै लेकिन बुझा में केना बुझाय छै लोक सब के जे ई सद्भावना पार्टी के ई मोर्चा छै कि राजपा पार्टी नै छै मोर्चा छै एहि दुआरे बुझाय छै हम आगे खोल के कहै छी अहाँ टिकट वितरण से लग समानुपातिक में नियुक्ति कर से लग मंत्रिमंडल बनाबे से लग नीति आयोग बनाबे से लग भागबंडा करबै ये हमरा पक्ष है ये हमरा पक्ष है ये हमरा पक्ष है केन बुझाते केन बुझाते आ देखो हमरा सके पार्टी के भीतर के आ महामंत्री सचिव केकरा बनेबे त
सद्भावना बैकग्राउंड तमलोपा बैकग्राउंड फलना बैकग्राउंड फलना मंत्री केकरा बनेबे तमलोपा सद्भावना तमसपा रामसपा कह के मतलब नेते सब जब भाग बंटा के बात करते केना भाजपा बनते। हम कहे छी जे डिजर्व करे जरा में क्वालिटी होय उ ना बनते हो। हमरा हाथ जिम्मेवारी है तो हमरा में क्वालिटी नहीं है। हम जे मैले बनि गेलिए तमोलबा के नाम पर तो हमर तमोलबा के शीर्ष नेतृत्व के बुझा पड़े ना कि परमेश्वर डिजर्व करे कि नहीं करे आ वही नाम पर भाग बंटा करे आ दोसर तरफ कह जाए पार्टी एकता करबे आ पार्टी बनबे भाजपा बनबे भूल जोगना है। लेकिन अखन फायदा बेसी भेट रहा है तमोलबा वाला से। उदाहरण दिया हम अहाँ जोड़ाओ परमेश्वर जी हम जोड़ाओ चेतक भगेला अच्छा जितेंद्र सोनल जी मंत्री भगेला पार्टी आप जोड़ ना हमरे सभामुख जी क्षेत्र उनका हम प्रश्न उठाबक चाहिए हाउस में। अब हम यह प्रश्न कर देते हुए कह वो सद्भावना पूर्व सद्भावना के हिसाब से नवल शाह पूर्व सद्भावना के हिसाब से है कत बेसी बात से देखा दिए ये बार्गेनिंग कर हम वही कहता लिया कि जब तक हमर नेता सब फाट बखरा नहीं छोड़ते कार्यकर्ता में उठिल हम ककरा से न्याय मांगे देबे। हम तो जानबे कि हमरा न्याय मांगे के तो ठाकुर जी ले जाओ तेना सब भावना वाला को दे राजेंद्र जी ले जाओ उ हुनका सब की सोचे पड़बे कि नहीं चाहे वो टिकट वितरण करे के बात होए समानुपातिक में लाबे जे आंदोलनकारी है जे पार्टी में लागल लोग है जे काय लेले तकरो ओतबे नपबे आ जे 10 वर्ष लाग तकरो ओतबे नपबे कार्यकर्ता कथि करते कार्यकर्ता तो मान लिया अहाँ के असहाय रहते ना ओकरा देख देख करवा के तो ओकर संग के साथ जाए के चाहिए। ते दुआरे हम कह कि जै दिन तक लिए बात फखरा होते अभी हमरा सब देखियो विधान के भीतर के बात से वही में लिख देने से प्रतिनिधि चुने थे वार्ड सब में सब पार्टी का एक जना हूं विधान में कहीं नहीं बात से लिखा लिए के नहीं पार्टी एक होते सब जगह वो गंध रहा करते रहते कि नहीं रहते। ते दुआरे ये सब बात के छोड़ कर यदि हम राजपा भ गेलिए परमेश्वर साहब भेले तैयो मतलब की कहे आरो अन्य हमर जे सांसद सब कोई भेले ओय में जी के काबिल है ओकरा जगह भेटना चाहिए तखनी ई नहीं कहियो अहाँ तमलबा के भेटले या सद्भावना के भेटले। यदि डिजर्व करे छे मंत्री में देखो ना क्वालिटी के बात करू ना हम सबके पता चलित होत ना ओहि हिसाब से यदि नहीं अहाँ गाड़ी बढ़बे आ तब कभी हम राजपा बनबे छी तो हमरा सब ये एते एकरा कथि कहै छी एकरा गंजन करै से बढ़िया त ई फुटने बढ़िया जी नहीं हम तो पहले कहले तमलोपा के नहीं फुटले तमलोपा में सब फुटल होते लोग दोसर में सब फुटल होते हम सब नहीं चाहे छी बात आ कोई फुटी वाला होते तो उनका नहीं रोक सके छी हम सब ने हमरा सब जब तक सहपरते सब पार्टी फोड़ के तुम सब बातें नहीं महाधिवेशन में की करबे जिला महाधिवेशन जे अधिवेशन जे होते ओही में की करबे अब अहीं कहले बिरिया अखत अहीं के मुंह से सुनी छी कि 18 गते कहे छे बिरहत बैठक होते ऐसे पहला बहुत बिरहत बैठक भेले बैठक भेला से नहीं होते मन साफ होई परले ने वह तो यदि अधिवेशन होय छे जी जी पार्टी के त परमेश्वर साहब की करते परमेश्वर साहब अधिवेशन होते त मान लिए हमर जे क्वालिटी है हमरा सब के में छै कि वार्ड से 6 आदमी आबे परले एगो सभापति होते 6 गो प्रतिनिधि होते तो पहले वही आबे परते हमरा तब ओकर बाद में जे क्षेत्र के अधिवेशन होते वही में हमरा महाधिवेशन प्रतिनिधि में आबे के है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष उ तो हम डिसाइड करबे तकर बाद में आके जिला अधिवेशन होते हम अध्यक्ष में लरू कि हम ऊपर लरो कि केंद्र में लरो वो अखन हम डिसाइड नहीं केने छे लेकिन राजनीति कर सक्रिय राजनीति करै छी एते बड़का लड़ाई लड़ने छी और हम घर में बैठक लागि जोगी मन के लागि नहीं आए छी कोनो न कोनो पद में दावेदारी देबे जे साथी भाई चाहते त अगाड़ी बढ़बे नहीं चाहते त जबरदस्ती करबे सेवा त नहीं होते। एना एना छी एकटा जना मीटिंग सब होई छी न त तेना केना बुझाइत रहै छी कखनो काल क जे बाहर में अबै छी आ भीतर के बात कहि सब के बुझलाय जे प्राय प्राय मीटिंग में जिलो के मीटिंग में सद्भावना पार्टी जे बहुतो जी सब गेल छै आ के ओ सब आके उपस्थित रहै छी प्राय अहु के प्रसंग में वाय मिले उपस्थित रहै छी ओ की चाहि रहल छै त अहाँ मूल्यांकन करियौ एज ए पत्रकार हम मूल्यांकन अहाँ से बुझु जी हम कहै छी मान ले पार्टी के बैठक होइ छै बैठक में बात रखबाक चाहिए अपन सहमति असहमति जनाबक चाहिए अहाँ आइबे नहीं करबे ओहि के लेल त की कह सके अहाँ आइ भी के लेल चेष्टा नहीं करै छी त हम की करब हम सब त कहबे न करब आओ बैठू सब के मिलकर गाड़ी बढ़ाओ
जब कहे छे राजभा बनवा के है तो जखन राजनीति में छिन स्वाभाविक से कंपटीशन होते राजनीति रूप में कंपटीशन होने अच्छा बात है एरा खराब नहीं माना जाए लेकिन जब बलियो बनावे पड़े घर बलियो बनावे पड़े घर रह तने ना घर में रह के कंपटीशन कर घरे नहीं रह कल तो देख लेने छे कैसे को वोट पड़ जाने से तो तई द्वारे जे साथी नहीं आवे उनका आवक चाहिए बैठक में अपन दलील देवक चाहिए बात रखा चाहिए निर्णय माना के नहीं माना के संबंधित व्यक्ति के अपन स्वतंत्रता है लेकिन ऐबे नहीं करबे तो वहां के बात की बुझते लोग आई कत सहमति कत सहमति उसम नहीं आबे छे अब अखन तक का को बैठक में नहीं है प्रदेश सरकार जे काज कर रहल छे ना प्रदेश सरकार अहाँ सब अखन पार्टनर अलायंस छे कते काज से संतुष्ट छे एना छे अखन के सरकार जे गठबंधन के सरकार छे हमरा सब के सरकार के फंक्शन करे के लिए काम करे के लिए मेन हो जो अगर कानून जे करीब करीब आप 16-17 कानून आके बन गेल छे दोसर हो छे ओकरा फंक्शन में लाबक लेल ओकर हैंड्स कर्मचारी जे कर्मचारी के अभी अभाव छे आके जे प्रकार से एकटा ओएनएम कहे छे कर्मचारी सब के ये के प्रदेश सरकार अपन ओएनएम करेने रहे आके पूर्व मंत्री विद्याधर मलिक जी द्वारा ओई में 5000 कर्मचारी के आवश्यकता बुझल के ओ देखल के एते कर्मचारी आके चाहिए लेकिन केंद्र सरकार निर्णय करे छे कि 24 कर्मचारी प्रदेश नंबर 2 में पठाए लेकिन ओई के बदला में अभियो 300 से ऊपर कर्मचारी नहीं छे अब हमारा प्रदेश में नेपाल सरकार के अनुसार 24 से चाहिए हमर ओई नियम अनुसार 5000 चाहिए ओई के चलते हम जो अखन करार विधेयक पास के लिए कि आप अस्थायी में मतलब करारे में नियुक्त करी और काम चलाए के का तो उपराधिकारी कार्यकर्ता के भर्ती करी कम से कम नहीं कार्यकर्ता के नहीं अब अपने सब के जे अर्थ लगाबे उ लगते हम सब कर्मचारी के बात के लिए ओकर विज्ञापन निकलते ओकर मान लिया आहा के जे प्रकार के आहा के जनता ओते संतुष्ट नहीं आ सके काज सब हमरा सब के काज सब के जनता संतुष्ट नहीं है सॉरी संतुष्ट नहीं तो असंतुष्टो नहीं है ए द्वारे जनता हमरा सब से ई बुझ रहल छै कि एकटा सामान्य काम करे के लिए ओकरा औजार चाहिए एकटा कार्यक्रम में मंत्री जाकर का भाषण करे छै दू दिन चार दिन पांच दिन के बाद में विकास के काम सब शुरू होते कर्मचारी के रिक्रूट करे के नियुक्ति करे के जे कार में छे ओ प्रक्रिया सब आगे बढ़ते अइ प्रकार हम सब आगे बढ़ रहल छे हाउस किया बंद करे हाउस हाउस में करे बिजनेस चाहिए यानी विधेयक चाहिए विधेयक आहा के जे दू चार टा छे ओ समिति सब चले छे आ हाउस चले के मतलब हले कि विधेयक नहीं हेते त आखिर संसद सब कदी करते बैठ के ते द्वारा विधेयको सब अपने आंतरिक मामला मंत्री सभा के बाद में बहुत जल्दी आप बहुत विषयगत समिति सब जैसे विषयगत समिति सब बनबाक चाहिए एकटा मिनी विषयगत संसद समिति सब बन गेल छै अपने के ओकरो फसा के देखाइ रहल छै नहीं नहीं केना नहीं हो रहल छै मान ले आहा के विषयगत समिति सब बन गेले ओहि समिति के एगो आधगो बैठको भेले आ ओकर सभापति चुने के बाकी छै सभापति नहीं चुने लिया ज्येष्ठ सदस्य के अध्यक्षता में बैठक होय छै जे समिति में विधेयक आयल छै ओ बैठ के छलफल कर रहल छै देखिए बात बुझाते जी ठीक ठाक प्रदेश सरकार जी आके कुछ दिन के बाद में एक नया सिनेरियो देखा पड़ा पार्टी फिर पार्टी पर आई एकदम अंतिम प्रश्न पार्टी यदि यह अवस्था में रहती या सुधार हो क्या एकदम हम विश्वस्त छी आशावादी छी सामान्य रूप में मतभेद जब श्रीमान श्रीमती के बीच में होय छे बाप बेटा के बीच में छे ई पार्टी छे कभी काल एहन अवस्था सब देखा पड़े छे लेकिन राजपा के नेता सब और वही नेता के जनता सब जिम्मेवारी देने छे कि अहां सब एक भका आओ जनता के समस्या समाधान करू सरकार संगे जे सहमति भेल छे भरखरे काल के न्यूज छे जे 7 दिन के टाइम लेके हम तो आग्रह करब चाहब आगे चैनल मार्फत कि आप समय लेबे के बात नहीं छे आप 7 दिन के बाद कोनो समय ने अगाड़ी नहीं बढ़ रहे छे अभी में अगाड़ी बढ़ो तै द्वारे राजपा पार्टी में एकता है तै प्रधान हम सब अगाड़ी बढ़ो और ये पार्टी एकटा वैकल्पिक पार्टी के रूप में प्रधानमंत्री चेतावनी दल के जे जौ आहा हमरा से समर्थन प्रीता रहे तो 2 नंबर प्रदेश में हम सुरक्षित रहे हम के सरकार चल जाए हम सब तैयार छी बात के लिए हमर नेता कह परले हमरा सब के कि प्रधानमंत्री एहन चैलेंज देलक ओई प्रधानमंत्री जी जोर लड़के ऐसे पहला ओ लड़ने छिए
अभियो लड़क लेकिन सब तैयार थे मधेसी जनता तैयार है हमेशा साथ तैयार है झंडा के मोह नहीं है हमरा न झंडा के मोह है न पद के मोह हमारे कहले वीरेंद्र जी काल तक हमरा कौन झंडा भेटल है काल तक हमरा कौन पद भेटल है लेकिन पीठ नहीं देखे ली अहा सबका बात है हम सब लड़क के लिए मधेसी जनता के मुक्ति के लिए गोली खाए के लिए लाठी खाए के लिए हमने संगे तीन गो साथी हमर साथ है दलके ने भाषा के परमेश्वर साथ दी थी बोली तो केकरो आई सकी कोनो लिखल छै फोन लेके लगते संजोग होय छै केकरो लगै छै केकरो नै लगै छै लेकिन पीठ कहि दु नेतृत्व कहि छै आंदोलन के हमरा अभियो हमर नेता के आह्वान होय कार्य समाजन कर के तैयार छै ई पद के तिवारी देव के तैयार छै हमरा ई पद वर्ग में मधेसी जनता के साथ हम जे समझौता कहने छै जे वादा कहने छै चाहे वोट मांग क्रम में होय चाहे आंदोलन के क्रम में होय ओइसे एक इंच पछाड़ी नै पड़ब ई विश्वास संपूर्ण आदमी जन समुदाय में दिया चाहिए हमारे पार्टी के आदेश हो घोषणा कहने हो ना घोषणा पत्र लगा सुना जी निश्चित घोषणा पत्र की कति कार्यक्रम करे एकदम अखन जे भी कार्यक्रम हमरा सके बिन रहल है घोषणा पत्र के आधार पर गाड़ी बनले इस सरकार जे छे हमरा सके जे गठबंधन के सरकार के फोरम के घोषणा पत्र राजपा के घोषणा पत्र ओई के अध्ययन क के तब मात्र कार्यक्रम अखन ते आगे जे कार्यक्रम सगाड़ी बढ़ले नीचे तरह कार्यक्रम छे हम सब जे ओकरा बाईपास कर देबे तब तो कोनो मतलब ही नहीं भेले तब तो मान ले काल के यथा स्थिति वादी सरकार आ हमरा सब की फरक पड़ते त जनता में केना बुझाइते ई फरक छै के कत चल धन्यवाद धन्यवाद दर्शक जी ई छलै था राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के सचेतक परमेश्वर शाह इनका संगे हम सब पार्टी के किछ आंतरिक विवाद जे नेता सब के बीच में मत मतांतर छै ओ सरकार के कामकाज या विषय वस्तु के केंद्र में रहकर संवाद करब कार्यक्रम केहन लागत देख के प्रतिक्रिया जरूर देव व्यस्त नमस्कार